वेल नमस्तो, पार्ट वन देखना मत भूलना। अब मैंने पार्ट वन में R3 को RC390 के साथ कंपेयर किया है और भी काफ़ी सारे डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको पार्ट वन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दिया हुआ है, तो वीडियो ज़रूर देखना। अब हम पार्ट टू चालू करते हैं। वेल दोस्तों, निंजा 300 और R3 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर अगर हम प्राइस की बात करें तो दोनों बाइक में 40,000 रुपये का फ़र्क है। पर इन दोनों बाइक्स में कुछ कुछ चीज़ों का ऐसा भी फ़र्क है जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा और आपको पता चल जाएगा क्यों R3 निंजा 300 से महंगी है। वेल, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। निंजा 300 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, वो कम्प्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, और R3 जो है वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। R3 इंडिया में नहीं बनती है, जिस वजह से इम्पोर्ट ड्यूटीज लगने के वजह से R3 का प्राइस बढ़ जाता है। वेल, अभी हम थोड़ा आगे बात करते हैं डिटेल में। दोस्तों, दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम है। दोस्तों, अभी हम दोनों बाइक्स के सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। दोनों बाइक्स का रिफाइनमेंट, कूलिंग, एक्सेलरेशन, माइलेज, हैंडलिंग दोनों बाइक का काफ़ी हद तक सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेल, अभी यहाँ से हम निंजा 300 और R3 का डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, निंजा 300 में R3 का मुकाबले कम पावर है, वेट ज़्यादा है, जिस वजह से जो टॉप स्पीड है वो R3 के मुकाबले कम है। अभी जो दूसरा डिफरेंस है वो है डिजिटल कंसोल का। दोस्तों, जो निंजा 300 का डिजिटल कंसोल है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी स्मॉल है, और उसमें जो डिटेल्स है वो भी इम्प्रॉपर है। प्लस उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिया गया, जो कि होना चाहिए था। लेकिन R3 का जो डिजिटल कंसोल है वो काफ़ी बेहतरीन है, उसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है। अभी अगर हम टायर्स की बात करें तो निंजा 300 में आपको MRF के हार्ड कंपाउंड के टायर देखने को मिलते हैं, जो कि सस्ते आते हैं। MRF के ये जो टायर्स है वो आपको 4,000 से 5,000 के मिल जाएंगे। लेकिन R3 के अंदर जो आपको टायर्स मिलते हैं वो आपको मैजिलर के सॉफ्ट कंपाउंड के टायर मिलते हैं, और ये जो टायर है वो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक के टायर है। ये टायर का जो प्राइस है वो है 8,000 से 10,000 के बीच। अब ज़रा निंजा के एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, निंजा में स्लीपर क्लच है, जो कि R3 के अंदर नहीं है। R3 के अंदर भी स्लीपर क्लच होना चाहिए था, पर यामाहा ने क्यों नहीं दिया पता नहीं। वेल, दोस्तों, अभी अगर हम R3 के सर्विस कॉस्ट की बात करें तो इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो 2,500 से 3,000 के बीच है, पर क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक है प्लस ये एक प्रीमियम बाइक्स है तो इसके पार्ट्स तो सस्ते बिल्कुल नहीं होने वाले। अगर मैं आपको पार्ट्स का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका चेंज प्रोकेट ख़राब हो जाता है तो R3 का चेंज प्रोकेट का प्राइस है 9,000 रुपीज़। अगर आपका इस बाइक का जो क्लच है क्लच ख़राब हो जाता है तो इस बाइक का जो क्लच है वो है 14,000 से 15,000 के बीच। दोस्तों, क्लच का भाव मैं आपको एक एस्टिमेटेड दे रहा हूँ, मेरे को परफेक्टली नहीं पता। दूसरी चीज़, R3 के जो ब्रेक पैड्स है वो 7,000 से 8,000 रुपये के आते हैं, आगे पीछे दोनों मिला के। वेल, दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा यामाहा R3 4 लाख रुपये की है, तो यामाहा R3 में ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से यामाहा इसके लिए 4 लाख रुपये मांग भी रही है। वेल, दोस्तों, अभी हम R3 के बारे में थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जिससे आप सिटी में चला सको, हाईवे पर चला सको, टूरिंग कर सको, जिसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी हो, जिससे आप कॉर्नरिंग भी काफ़ी अच्छी कर सकते हो, वाइब्रेशन ना हो, हीटिंग ना हो, टॉप स्पीड भी अच्छी हो, सर्विस सेंटर का प्रॉब्लम ना हो, वेल, अगर यहाँ पर सर्विस सेंटर की बात करें तो यामाहा के शोरूम काफ़ी सारे हैं। लेकिन जो अगर हम सर्विस सेंटर की बात करें तो यामाहा के शोरूम तो काफ़ी सारे हैं, पर जो सर्विस मैकेनिक्स है यानी कि R3 के जो मैकेनिक्स है वो काफ़ी कम है। लेकिन यामाहा सर्विस मैकेनिक्स अरेंज करके दे देती है, लेकिन इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है, आपको बाइक तुरंत हाथों हाथ नहीं मिल जाती है। अगर आप जिस डीलरशिप में बाइक सर्विस के लिए देते हो और वहाँ पर R3 का मैकेनिक नहीं है तो आपको बाइक मिलने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। वेल, अभी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इस बाइक में भी काफ़ी डिसएडवांटेजेस है। पहला, इसका तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो आपको थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा। स्लीपर क्लच इस बाइक में नहीं है, हालांकि होना तो चाहिए था पर यामाहा ने इस बाइक में नहीं दिया है। वेल, दोस्तों, अभी अगर हम थोड़े लुक्स की बात करें तो ये बाइक जो है ये काफ़ी छोटी दिखती है। अगर हम R15 और
R3 को आजू बाजू में रख दे तो खाली फ्रंट से ही लगता है कि ये R3 है, लेकिन साइड से और पीछे से दोनों बाइक ऑलमोस्ट सेम ही लगती है। हालांकि R3 4 लाख रुपए की बाइक है तो यामाहा को उसे थोड़ी बल्कि थोड़ी बड़ी बनानी चाहिए थी, पर यामाहा ने ऐसा नहीं बनाया। वेल दोस्तों, ये तो था मेरा आज का वीडियो जहाँ पर मैंने R3 के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी की है, और R3 को निंजा 300 और मैंने RC 390 के साथ कंपेयर भी किया है। दोस्तों बेनेली 300 के साथ मैंने कंपेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि दोस्तों बेनेली 300 का वेट ज़्यादा है, पावर उतना ही है जितना निंजा 300 का है, सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बेनेली के शोरूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बेनेली के सर्विस सेंटर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मुझे बेनेली के बारे में बुरा बोलने को कुछ अच्छा लग रहा है, पर जो सच है मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। वेल दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, और दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।